नमस्कार, बीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेलियस लिक्विड और वाटर को हम मिलाएंगे और देखते हैं कि इसका क्या रिएक्शन होता है। इसमें हम कोई भी पानी का यूज नहीं करेंगे, कोई और रॉ मटेरियल का यूज नहीं करेंगे, बस हम सेलियस लिक्विड और साल्ट को आपस में मिलाएंगे और देखते हैं इसका रिएक्शन क्या होता है। यह थिक रहता है कि गाढ़ा होता है या पानी हो जाता है, मतलब थिकनेस ख़त्म हो जाता है, यही सब देखेंगे। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो बना आपके पास तुरंत पहुंच सके। सबसे पहले हम एक बीकर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे एसेलियस लिक्विड। यह मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च होता है। अब इतना एसेलियस लिक्विड अगर आपने ख़रीदा होगा तो आपको पता होगा यह कितना का हो गया, मतलब यह देखिए एक बढ़िया क्वालिटी का है। इसका रेट बहुत ज़्यादा हाई रहता है, 100 से 150 रुपये केजी तक होता है। यह दिन पर दिन महंगा भी हो रहा है, पहले और थोड़ा सस्ता मिलता था कम रेट का, लेकिन अब और ज़्यादा महंगा हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे साल्ट। देखिए तो आप चैनल को लाइक जरूर करें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अब हम इसे मिलाएंगे। देखिए इसका थिकनेस एकदम ख़त्म हो गया। देखिए देख रहे हैं, इसमें हम साल्ट और ऐड करेंगे। हम इसमें साल्ट और ज़्यादा ऐड करेंगे, देखते हैं क्या होता है। देखिए अब यह थोड़ा थोड़ा थिक हो रहा है, मतलब हमने पहली बार जो साल्ट ऐड किया, क्योंकि यह साल्ट की वजह से ही थिक हो रहा है, एसिलियस लिक्विड नहीं थिक हो रहा है। अब इसमें बहुत ज़्यादा हमने साल्ट ऐड कर दिया है, तो यह देखिए कितना ज़्यादा अब थिक हो रहा है। अब हम इसमें यह देखेंगे कि इसका झाग बनाने का क्षमता अभी भी है या ख़त्म हो गया। जैसे अगर हम बहुत ज़्यादा ऐड कर देते हैं एसिलियस लिक्विड में साल्ट, तो उसका झाग बनाने का क्षमता ख़त्म हो जाता है। तो हम यही चेक करेंगे कि इसमें झाग बनाने का क्षमता अभी है कि नहीं है। इसके लिए हम यहाँ पर एक लेंगे टब और इसमें हम ऐड करेंगे वाटर। और अब हम इसी लिक्विड को एक चम्मच डालेंगे और देखते हैं। तो देखिए अगर आपका एसिलियस लिक्विड बढ़िया क्वालिटी का है तो वह झाग कब भी बनाएगा, मतलब आपके सामने हमने इसमें इतना ज़्यादा साल्ट ऐड किया है, इतना में तो इसका झाग बनाने का क्षमता ही ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन देखिए देखिए कितना ज़्यादा यह झाग बना रहा है। झाग बना रहा है तो हम इसी के माध्यम से एक डिटर्जेंट पाउडर बना सकते हैं, जो जिसका रेट बहुत कम होगा लेकिन वह सफाई क्षमता में बहुत ज़्यादा होगा। देखिए झाग बना रहा है, इसका मतलब हम इसमें साल्ट कितना भी मिला देंगे यह झाग जरूर बनाएगा, मतलब हमने इसमें इतना ज़्यादा साल्ट ऐड किया है तब भी यह देखिए झाग यह कितना बढ़िया बना रहा है। देखिए अब हम अगर इसमें इतना टिनोपोल ऐड कर दें
जैसे हमने मान लीजिए सेलियस लिक्विड अगर 100 ग्राम लिया, 100 ग्राम हमने वाटर ऐड कर दिया और इसमें हम 30 से 40 ग्राम अगर हम टिनोपोल ऐड कर देंगे तो इसका जो ब्राइटनेस है क्लिनिक वह बहुत बढ़िया हो जाएगा, और हमने इसमें साल्ट बहुत ज़्यादा ऐड किया है तो वह भी सफाई में मदद करेगा। देखिए तो हम साल्ट के माध्यम से मतलब नमक के माध्यम से भी लिक्विड डिटर्जेंट बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से हम साल्ट के माध्यम से भी लिक्विड डिटर्जेंट बना सकते हैं, और इसका झाग भी देखिए, यह वीडियो चल रहा है आप लोगों के सामने और इसका भी देखिए झाग पूरा बरकरार है, ख़त्म नहीं हुआ है। तो इस तरीके से हम लिक्विड डिटर्जेंट बना सकते हैं साल्ट के माध्यम से। इसमें हम थोड़ा सा परफ्यूम ऐड कर देंगे और अगर हमें कलर चाहिए तो इसमें हम थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड करेंगे। आपको कलर बढ़ाना है तो थोड़ा और आप कलर इसमें ऐड कर दें। देखिए अब हम इसी लिक्विड से अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे, आने वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा इस लिक्विड से हम क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं। यह एक प्रकार का तो लिक्विड डिटर्जेंट ही बन गया है, साल्ट के माध्यम से हमने लिक्विड डिटर्जेंट बना दिया। इसमें हमने थोड़ा सा वाटर का यूज नहीं किया है, बस इसमें साल्ट एसएलएस लिक्विड और टिनोपोल, उसके बाद परफ्यूम और कलर। तो इसी लिक्विड से हम क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ आप कोई भी प्रोडक्ट बनाइए तो उसे आप एक दिन के लिए रखेंगे तभी वह बढ़िया से उसमें रिएक्शन करेगा, न्यूट्रलाइज होगा, उसके बाद उसका सही रूप आएगा, मतलब उसका क्या कंडीशन रहेगा वह एक दिन के बाद पता चलेगा, एक दिन रखने के बाद में उसका आएगा कैसा वो लिक्विड रहेगा। तो अब एक दिन बाद इससे हम अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे और देखते हैं क्या होता है। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी दबा दें जिससे कोई भी वीडियो बना आपके पास तुरंत पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।